क्लासेस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज हम आए हमारे इंटीरियर डिजाइन के साइट पर आए हैं। इट्स अ 4 BHK रेसिडेंस नवी मुंबई में है और हैंडओवर को सिर्फ 15 दिन बचे हैं। चलिए देखते हैं साइट कैसी दिख रही है। सो अभी हम इस रेसिडेंस की लॉबी में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लिफ्ट्स हैं और हर एक फ्लोर पे एक ही रेसिडेंस है। सो जहाँ से अभी शूट कर रहा है, सो शुभम इज बिहाइंड द कैमरा एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट ही इज शूटिंग एंड एडिटिंग। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं उसका जो इंस्टा हैंडल है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, घर का मेन एंट्रेंस जो है वो इस दीवार के सेंटर में है और इनिशियली जिस तरीके से हमने ये डिज़ाइन किया था, सो हमने सोचा था कि एक डबल डोर रखेंगे दो पैनल्स वाला और उसके दोनों साइड में सिमेट्रिकल पैनलिंग करेंगे, मोल्डिंग में डिज़ाइन करेंगे विथ लाइट्स। सो दिस वॉज द इनिशियल डिज़ाइन। अभी ये किस तरीके से रिवाइज हो गया है आप देख सकते हैं। अभी जो कम्प्लीट वॉलपेपर था वहाँ पे वीनियर के पैनल्स हैं दोनों साइड में और डोर जो है दो के जगह पे एक सिंगल डोर हो गया है। इवन दिस डिज़ाइन इज रिवाइज नाउ, वो आप आगे देखेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि कैसे डिज़ाइन इवॉल्व होता है आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। और जैसे आप लिफ्ट से बाहर आते हैं द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज सामने जो पैनलिंग है जिसमें ट्रैवर्टिनो, रेड ट्रैवर्टिनो आप देख सकते हैं, कंप्लीट वर्टिकल स्टोन लगाया हुआ है और दैट विल बी अ बैकड्रॉप टू द नेम प्लेट। तो एक गोल्डन अल्फाबेट्स के साथ नेम प्लेट डिज़ाइन की है जो उसके आगे आएगी। उसके सामने एक लेज भी है जहाँ पर हम एक मूर्ति रखने वाले हैं। ये जो दरवाज़ा है ये स्टेयरकेस का दरवाज़ा है और शूरैक जो है उसके दोनों साइड में शूरैक प्लान किया गया है। ऑल्सो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ब्यूटिफुल कार्विंग वाला मिरर फ्रेम है, तो एक गुड बाय मिरर जैसे मिरर यहाँ पे हमने दिया है। सीलिंग में PVC स्ट्रिप्स यूज़ किए गए हैं जो एक वुडन फिनिश लुक देते हैं और उसके साइड में जिप्सम सीलिंग भी है। एंड दिस इज जस्ट अ रेफरेंस इमेज कि कैसे वो दिखेगा और उसके सेंटर में एक शैंडलियर प्लांट है। तो हर एक फ्लोर पे एक ही रेसिडेंस है और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं बैकड्रॉप, दैट इज द मेन एंट्रेंस। एंड बिकॉज ये लॉबी साइज के हिसाब से भी बड़ी है और जैसे मैंने कहा एक ही फ्लैट है, तो हमें यहाँ पर दोनों साइड में विनियर में पैनलिंग किया हुआ है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विनियर में कुछ हमने एक पैटर्न करने की कोशिश की है और जहाँ पर ये वायर्स है वहाँ पर दो लाइट्स आने वाले हैं। सो एक लाइट यहाँ पर, एक लाइट यहाँ पर। दिस इज़ द फाइनल रिवाइज डिज़ाइन ऑफ द मेन डोर और जो इसमें एम्प्टी पॉकेट्स आप देख सकते हैं वहाँ पर इस तरीके के वुडन पीसेस हमने बना के लाए हैं। ये डायरेक्टली हमने कारखाने से बना के लाए हैं, इसको फिनिश हम पॉलिश करेंगे। हर एक जो स्लॉट है वहाँ पर ये एक एक वुडन पीस लगेगा और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसी के बॉर्डर में जो मोल्डिंग आने वाला है वो फ्यू थिंग्स आर स्टिल बैलेंस। ये ट्रैवर्टिनो मार्बल है और नीचे जो लेज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये लेज है जहाँ पर हम एक गणपति की मूर्ति रखने वाले हैं और दोनों साइड में दिया रखना है, तो वो भी आप रख सकते हैं। ये शूरैक का डिटेलिंग हम देख रहे हैं अभी, जिसके ऊपर हमने टीकवुड की पट्टी लगाई हुई है वर्टिकली और ऊपर जो है आर्टिफिशियल स्टोन रखा हुआ है। एंड दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द स्पेस आई फील, दिस इज़ द सरप्राइज एलिमेंट। ये एक स्लाइडिंग सेफ्टी डोर है और हमेशा हम जो सेफ्टी डोर देखते हैं वो ओपनेबल होता है, यहाँ पर बिकॉज वो सिमेट्रिकल डिज़ाइन के लिए हम चाहते थे थोड़ी खुली जगह हो, इसके लिए स्लाइडिंग डोर डिज़ाइन किया गया है, सेफ्टी डोर, एंड दैट्स मी वेरी हैप्पी विद द डोर। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं लिविंग रूम। सो दिस इज़ द TV वॉल और लेफ्ट साइड में आप जो पैसेज देख रहे हैं वो किचन और बेडरूम्स की तरफ जाता है, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट। और राइट साइड में एक बहुत बड़ी विंडो है जहाँ से बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 3D में इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये सीटिंग आप देख सकते हैं 3+2 सोफा सीटिंग किया हुआ है और मंदिर इस तरीके से प्लांट है विच इज़ नेक्स्ट टू द डोर और डाइनिंग और TV यूनिट आपने देखा। ये एक इनिशियल स्टेज में जब सिर्फ प्लाईवर्क कंप्लीट था तब का ये फोटो है और शेल्फ्स एक साइड में जो आप देख रहे हैं वो MDF में है जिसको बाद में एक मैट ड्यूको पेंट होने वाला है। एंड नीचे आप देख सकते हैं एक लाइन ऑफ ड्रॉवर्स, ऊपर जो पैनल है जिसके लिए हमने एक स्टोन खरीदा है और ये जो स्टोन है ये हमने CMC से लिया था, CMC सिलवासा। सो अभी देखते हैं कि अभी जिस स्टेज में है बिकॉज ऑफ द पेंटिंग काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड है, बट आई विल स्टिल गिव यू अ स्नीक पीक। अभी इसको ड्यूको की लंबी उस यूनिट पे की है वो आप देख सकते हैं, इसके लिए वो वाइट दिख रहा है। स्टोन इस तरीके से लंबा एक 9 फुट का स्टोन है और स्टोन के पीछे आप देख सकते हैं ये जो ये एक्चुअल वुडन स्ट्रिप्स नहीं है। सो ये एक मटेरियल है, चारकोल मटेरियल, ये इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स मिलती हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे कलर्स और फिनिशेस आपको मिलते हैं और इसकी साइजिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती है। बट एक स्ट्रिप की साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 8 इंच की विड्थ और हाइट में 8 फुट, ऐसे आपको एक स्ट्रिप मिलती है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय।